सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ड्रैगन बॉल के पूरे मल्टीवर्स में गोकू की एनर्जी सभी महान लोगों को हुई, पर अचानक से ये एनर्जी जाने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं और गोकू अपने ड्रिप गोकू फॉर्म में आ जाता है और डार्क साइड गोकू पर अटैक करता है, मगर गोकू को एक खरोंच तक नहीं आती और डार्क साइड को मारकर गोकू डीसी वर्ल्ड में कुछ नए दोस्त बना लेता है और दूसरी तरफ बीरस वेजिटा को गॉड्स के तौर तरीके सिखाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, मगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका काम है क्योंकि इन्हीं लाइक्स की वजह से मैं डेली आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। ओके, तो मुझे यकीन है आप अपना सपोर्ट हमेशा दिखाओगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीरस कहता है, क्या तुम रेडी हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं तैयार हूँ। बीरस कहता है, जो जो मैंने बताया वो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया ना? वेजिटा कहता है, अरे हाँ, कितनी बार कहूँ। बीरस कहता है, विश, चलो अब स्पेस में चलते हैं। वेजिटा कहता है, स्पेस में? पर वहाँ क्यों? वो कोई जगह है मीटिंग की? विश कहता है, वेजिटा, इसके पीछे एक स्टोरी छुपी हुई है। वेजिटा कहता है, अच्छा तो बताओ मुझे। विश कहता है, ये स्पेस मीटिंग की वजह से लॉर्ड बीरस ही है। बीरस कहता है, विश, ये सब हम बाद में भी बातें कर सकते हैं। वेजिटा कहता है, नहीं मुझे जानना है। विश बताता है, बहुत पहले सभी गॉड्स एक साथ मिलकर किसी एक गॉड के पैलेस में मिलते थे और वो यूनिवर्स वन का पैलेस होता था, मगर सभी गॉड्स के अंदर ईगो इतना था कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे यूनिवर्स में क्यों आए, और उस समय लॉर्ड बीरस ने बीच में कहा कि मैं भी किसी के यूनिवर्स में नहीं जाऊंगा, तो अब से हम बाहर ही मीटिंग करेंगे। वेजिटा कहता है, ओह तो ये बात है। बीरस कहता है, विश, तुम तब मेरी बात को ठीक से नहीं समझे थे। एक डिस्ट्रॉयर के लिए उसकी इज्जत ही उसकी शान होती है। अब चलो, देरी हो रही है। तभी वहाँ गोकू आ जाता है। गोकू कहता है, हाय गाइस। बीरस कहता है, लो इसी की कमी थी, विश, हमारे प्लेनेट पर एक बोर्ड लगा दो कि यहाँ पर बिना वजह के कोई नहीं आएगा। गोकू कहता है, क्या बात है, आप लोग कहीं जा रहे हो? विश कहता है, हाँ गोकू, दरअसल गॉड्स की मीटिंग होने जा रही है तो हम वहीं जा रहे हैं। गोकू कहता है, अरे वाह, वेजिटा भी जा रहा है। विश कहता है, हाँ ये वेजिटा की पहली मीटिंग है। गोकू कहता है, विश, वैसे वेजिटा भीड़ वाले इलाके में ज्यादा देर रुकता नहीं। बीरस कहता है, अपना मुंह बंद करो और जाओ अपना काम करो। गोकू कहता है, ठीक है तो मैं यहाँ ट्रेनिंग कर लेता हूँ, तब तक आप यहाँ आ जाओगे? बीरस कहता है, हरगिज नहीं, मेरे प्लेनेट पर तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे। हाँ, अगर कोई सफाई करना चाहते हो तो यहाँ रुक सकते हो। वेजिटा कहता है, अब चले लॉर्ड बीरस, पहले ही हम लेट हो चुके हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। गोकू कहता है, मुझे भी शेनरॉन से पिकोलो और क्रिलिन को जिंदा करना है। इसके बाद गोकू अर्थ चला जाता है। अब बीरस, विश और वेजिटा मीटिंग में पहुंचते हैं, जहां पर चैंपा, बेलमोर, ड्रमशी, क्विटेला और बाकी के गॉड्स मौजूद हैं। बीरस कहता है, मैं माफी चाहता हूं देर से आने के लिए। क्विटेला कहता है, ये कौन सी नई बात है, तुम तो हमेशा ही ऐसा करते हो। बीरस कहता है, क्यों ना हम आज बिना झगड़ा किए इस मीटिंग की शुरुआत करें। बेलमोर कहता है, शांत हो जाओ क्विटेला, चलो बीरस, ये मीटिंग शुरू होती है। बीरस कहता है, इतने सालों से जो हमारे बीच झगड़ा चल रहा था, मैं चाहता हूँ कि वो खत्म हो जाए, क्योंकि अब मेरे रिटायर होने का समय होने वाला है, तो अब मेरी जगह मेरे यूनिवर्स का शानदार योद्धा वेजिटा लेगा, और मैं चाहता हूँ तुम लोग भी इसे एक्सेप्ट करो। तभी क्विटेला कहता है, ये बंदर तुम्हारी जगह लेगा? अब वेजिटा क्विटेला को गुस्से में देखता है। बीरस कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वेजिटा की भी उतनी ही इज्जत करोगे जितनी की मैं करता हूँ। तभी बेलमोट कहता है, हा, इसका मतलब इसका भी मजाक उड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। अब वेजिटा और भी गुस्सा हो जाता है। बीरस कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, देखो बेलमोट, मैं जानता हूँ ये सब तुम क्यों कर रहे हो। बेलमोट कहता है, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं बोल रहा हूँ, ये सेंस हमारे इतिहास में एक धब्बा है, ये सेंस हमेशा से गलत रहा है, और ये सेंस किसी के सगे नहीं होते, क्या तुम भूल गए? एक सेंस पहले भी आया था डिस्ट्रॉयर की पोजीशन में,
पर वो ईविल बना, उसने डिस्ट्रॉयर का नाम मिट्टी में मिला दिया और तुम आज वही भूल करने जा रहे हो। तभी वेजिटा गुस्से में चिल्लाकर कहता है, बंद करो ये बकवास, तुम खुद को समझते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम एक डिस्ट्रॉयर हो तो तुम कुछ भी कहोगे? उस दिन उस टूर्नामेंट में भी तुम बहुत फालतू बोल रहे थे। आखिर हुआ क्या? हम सेंस ने ही तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी। वो तो शुक्र मनाओ हमारे यूनिवर्स ने तुम लोगों को वापस लाने की विच मांगी, वरना आज तुम सब यहाँ आकर अपनी बकवास नहीं कर रहे होते। और तुम्हें मैं एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ, हम सेंस ने हर बार अपनी लिमिट को ब्रेक करके अपनी जिंदगी में ऊंचाइयां हासिल करी है, और तुम सब हम सेंस से डरते हो कि कहीं हम लोग तुमसे आगे ना निकल जाएं। क्यूटेला कहता है, अपना मुंह बंद कर वरना अभी तुझे इरेज कर दूंगा। ये बात सुनकर बीरस भी गुस्सा हो जाता है और वेजिटा हंसने लगता है, हा, तू मुझे इरेज करेगा बिद्दी? सच तो यह है तुम में से कोई भी मुझे इरेज नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं पहले वाला वेजिटा नहीं हूँ। पेलमोट कहता है, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। बीरस कहता है, मैंने सोचा था ये मीटिंग हम शांति से करेंगे, है ना वेजिटा? अब वक्त आ गया है जो मैंने तुम्हें कल सिखाया था उसे करने का। तभी वेजिटा सामने आता है और अपनी फुल रेंज में आ जाता है, जिससे पूरे स्पेस में बिजली कड़कने लगती है और वेजिटा अपने हकाईशीन मोड में आ जाता है। अब ये देखकर सभी गॉड हैरान हो जाते हैं और बेलमोड कहता है, इसने हकाई पावर को इतनी जल्दी कैसे सीख लिया? क्यूटेला भी शॉक हो जाता है, पर चैंपा बिल्कुल भी शॉक नहीं होता। चैंपा कहता है, ये वही पावर है जो उसने यूनिवर्स में इस्तेमाल की थी। वेजिटा कहता है, क्या हुआ? हैरान हो गए सब। क्या हुआ क्यूटेला, क्या कह रहे थे तुम कि तुम मुझे इरेज कर दोगे? तभी यूनिवर्स वन का डिस्ट्रॉयर E1 कहता है, बस करो, हम डिस्ट्रॉयर हैं, आप उसमें लड़ना हमारा काम नहीं है। तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैंने सुना है कि एक डिस्ट्रॉयर भी दूसरे डिस्ट्रॉयर को इरेज कर सकता है जब वो उससे कई गुना ताकतवर हो। बीरस स्माइल करके कहता है, हाँ वेजिटा, तुम बिल्कुल सही हो। वेजिटा कहता है, तो क्यों ना मैं इन सब को इरेज कर डालूं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर बेलमोड भी शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में कहता है, बीरस तुमने हमें यहाँ लड़ने बुलाया है क्या? बीरस कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बेलमोड कहता है, तो फिर इसे शांत रहने को बोलो, इसे पता नहीं कि ये क्या बोल रहा है। बीरस कहता है, माफ करना, ये मेरी तरह है, एकदम सन की, बल्कि मुझसे ज्यादा सन की है। तभी यूनिवर्स 5 का डिस्ट्रॉयर एरिक कहता है, बस करो, हम वेजिटा का डिस्ट्रॉयर की दुनिया में स्वागत करेंगे और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मीटिंग खत्म हुई। इसके बाद वेजिटा स्माइल करता नजर आता है। फिर सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हो गया क्या काम? फू कहता है, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया है, अब बस उसे शुरू करने का समय चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो सोच क्या रहे हो, शुरू करो। फू कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले मुझे तैयारियां तो करने दो, वरना फिर कोई बीच में आकर टांग अड़ा देगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है पर जल्दी करो। इसके बाद गोकू पर सीन जाता है। गोकू बुलमा से कहता है, बुलमा, वेजिटा ने तुमसे क्या ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए कहा था? बुलमा कहती है, हाँ कहा तो था कि उन्हें ढूंढ के रखना, पर किस्मत की बात तो यह है कि वो पहले से ही मेरे पास हैं, तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। गोकू कहता है, बुलमा पर ये तुम्हारे पास पहले से क्या कर रहे हैं? बुलमा कहती है, वो जब जब ड्रैगन बॉल्स दूर चले जाते हैं और जैसे ही उनका टाइम पूरा होता है, मैं उन्हें अपने रडार से ढूंढ के ले आती हूँ। गोकू कहता है, बुलमा तुम्हें नहीं लगता कि ये सही नहीं है? बुलमा कहती है, इसमें गलत क्या है, एक तरह से मैं तुम्हारी टेंशन कम ही कर रही हूँ। गोकू पूछता है, और वो कैसे? बुलमा कहती है, देखो अब ड्रैगन बॉल्स मेरे पास रहेंगे तो सेफ हैं, क्योंकि अगर किसी ने ऐसी विच मांगी तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। गोकू कहता है, बात तो तुम ठीक कर रही हो, तो अब मुझे वो बॉल्स दे दो। अब बुलमा गोकू को वो ड्रैगन बॉल दे देती है। गोकू कहता है, तो ठीक है शेनरोन, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। इसके बाद वहाँ पर शेनरोन आ जाता है और कहता है, कहो क्या चाहिए तुम्हें?
गोकू कहता है, शेनरोन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त पिकोलो और क्रिलिन को फिर से जिंदा कर दो। शेनरोन पूछता है, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? अब गोकू सोच में पड़ जाता है कि क्या मांगे। शेनरोन कहता है, समय बहुत कम है, मुझे अपनी दूसरी इच्छा बताओ। गोकू पूछता है, क्या तुम मुझे मेरे ओल्ड मास्टर का पता बता सकते हो? शेनरोन पूछता है, तुम्हें रोशी का पता चाहिए? गोकू कहता है, नहीं, ये दूसरे ओल्ड मास्टर हैं। शेनरोन कहता है, मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। गोकू कहता है, अच्छा तो मेरी दूसरी इच्छा ये है कि धरतीवासी सभी अच्छे हो जाएं, कोई भी गलत काम ना करे। शेनरोन पूछता है, तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? गोकू कहता है, तीसरी इच्छा मेरी ये है, तुम जाओ और छुट्टियां मनाओ। शेनरोन कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। और चैन रोन वहां से चला जाता है।